गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो, बचपन। इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। इन्होंने अपने बचपन के दिनों को आपसे साझा किया है, ये संस्मरण है। वो बताती हैं कि जब वो छोटी सी थीं तो कैसे कपड़े पहनती थीं, क्या पहनती थीं, जुराबें पहनती थीं कैसे, और आपके और उनके ज़माने में अंतर। तो उन्होंने बताया है कि वो पहले बहुत से पहनती थी कपड़े, लेकिन फ्रिल वाले, घेरदारे जो होते थे ना, घेरदार वाले फ्रॉक, वो पहनना बहुत पसंद करती थी। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो लंबी जुराबें पहनती थी, और बताया कि जो जूते होते थे और जुराबें, रविवार को उनका काम होता था कि वो जूते चमकाती थी और जुराबों को धोती थी खुद। नौकरों से धुलवाना उनके यहाँ मना था, ये जूते और जुराबे जो हैं वो नौकर नहीं धोया करते थे। तो उन्होंने उसके विषय में बताया है इसमें। उसके बाद वो बताती हैं कि हर शनिवार को उन्हें एरंडी का तेल और जैतून का तेल, ये दोनों पीने ही पड़ते थे। उसके लिए वो आज भी याद करके बताती हैं कि वो जो गिलास होता था उसमें जो निशान लगा होता था उसको याद करके ही उल्टी आने लगती थी, और अगर वो ना पीती तो शायद ऐसा कोई बीमार नहीं पड़ जाती, वो ऐसा बताती हैं। फिर बताया उन्होंने कि आजकल जो आप लोग टीवी रेडियो देख रहे हैं उस समय कुछ नहीं था। हमारे और उनके ज़माने में ये अंतर है कि पहले वो ग्रामोफोन चलते थे जिसमें सिर्फ सुन ही सकते थे, कोई रिकॉर्डर लगा दिया और आप सुनते रहेंगे, तो वो हुआ करता था। फिर उसके बाद बताती हैं कि पहले कुल्फी चलती थी, उसकी जगह अब आइसक्रीम चलने लगी है। फिर बताती हैं कि पहले हम लोग शरबत पीते थे, तरह तरह के खस के शरबत और बहुत से शरबत होते थे, उनकी जगह अब पेप्सी, कोका कोला, थम्सअप, ये सब इन्होंने ले ली है। और बताया है कि पहले बच्चे कचौड़ी खाया करते थे, अब उनकी जगह समोसा और पेटीज ने ले ली है। वो बताती हैं कि उन्हें, क्योंकि वो शिमला से थीं तो उन्हें पहाड़ी फल सारे बहुत पसंद थे, रसभरी, जिसमें मुख्य रूप से काफल बहुत पसंद था, काफल उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। और वो फिर बताती हैं कि कोन, जो स्पेशली वो कोन की बात करती हैं कि ये उन्हें बहुत पसंद थी, जिसमें वो चना जोर गरम डाल के देता था, और वो चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये वाला गाते हुए ये खाती थी, और वो आज भी उन्हें देखने को मिल जाता है। बताती हैं कि वो मज़ेदार कोन मुझे अच्छी आज भी अच्छी लगती है। और वो बताती हैं कि जब वो लोग जो जब जाती थी सर्वर का के स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने, उन्हें उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में कालका ट्रेन का डिब्बा मॉडल में बना हुआ करता था। और गिरजाघर का भी जिक्र करती हैं कि वहाँ गिरजाघर की सुबह सुबह चर्च की घंटियां बजती हुई दूर तक सुनाई देती थीं। और फिर बताती हैं कि मुझे एक दुकान बहुत आज भी याद है, चश्मे की दुकान, वहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और वहाँ जो डॉक्टर बैठा करता था वो अंग्रेज था, और मुझे मेरे चचेरे भाई लोग मुझे चिढ़ाते थे जब मैंने चश्मा पहना, कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ऐसा करके उसे उन्हें चिढ़ाते थे। और फिर वो बताती हैं टोपी के बारे में, ये हिमाचली टोपी है, इसको लगाकर वो आईने में देखती थी अपने अपने को तो हंसती थी कि सूरत बनी लंगूर की, हा हा हा, ऐसा करके। तो इसमें उन्होंने अपने बचपन के पूरे दिनों को बताया है। ठीक है, धन्यवाद।